बहुत बहुत इस्तकबाल है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे हरूफ की किस्में। हरूफ की कितनी किस्में हो सकती हैं? इससे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि हर्फ अगर हम ऐसे ही देखते हैं तो हर्फ को आम तौर पे जो है अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में जिसे कहते हैं, ऐसे उर्दू में इसे हरूफ तहजी कहा जाता है। लेकिन जब हम ग्रामर की इस्तलाह में हर्फ को देखते हैं तो हर्फ को एक बाकायदा जो है एक टर्म दिया जाता है, एक इस्तलाह दिया जाता है, और हर्फ के माने वो हो जाते हैं कि वो अल्फाज बल्कि वो हरूफ जो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं और जोड़कर उन सेंटेंस को, उन जुमलों को बामानी बनाते हैं। तो आइए हम उन हरूफ की किस्मों को देखते हैं। हरूफ की बहुत सी किस्में हैं, हरूफ की बहुत सी किस्में हैं जिनमें से कुछ खास किस्मों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। तो सबसे पहली किस्म आइए हम लोग देखते हैं हरूफे जार। हरूफे जार किसे कहते हैं? हरूफे जार जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं, मसलन मैं से पर तक ऊपर को आगे वगैरह, ये जुमले में आकर लफ्ज़ों को जोड़ते हैं और जोड़कर उन लफ्ज़ों को बामाना बनाते हैं। बामाना यानी मीनिंगफुल, बामाना माने होता है मीनिंगफुल, जुमला माना होता है सेंटेंस और जुमले उसी की जमा है। तो हरूफ़े जार किसे कहते हैं? जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं, मसलन मैं से पर तक ऊपर को आगे वगैरह। इस तरीके से बहुत सारे जुमले हैं, जैसे आप यही जुमला ले लीजिए ऊपर का, बतौर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि इसमें देखिए कहाँ इस्तेमाल हो। जिनमें से कुछ खास किस्मों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। जिनमें से देखिए, में से का है, ये सब क्या है? ये सब हुरूफ हैं, ये सब हुरूफ हैं जो कि जोड़ने का जुमले में काम कर रहे हैं। अगर इन हुरूफ को मान लो में और से को हटा दिया जाए तो आप देखिए जुमला कैसे बनेगा। जिन कुछ खास किस्मों जिक्र यहाँ किया जा रहा, तो अगर आप ऐसे हटाते रहें इनको तो कोई खास जुमला नहीं बन पाएगा और मीनिंगफुल यानी बामानी जुमला नहीं बन पाएगा। तो आइए अब हम दूसरे किस्म को देखते हैं, हरूफे जिसे हरूफ अत्फ कहते हैं। हरूफ अत्फ की सबसे पहले हम लोग तारीफ देखते हैं। हरूफ अत्फ कहते हैं किसे हैं? मुफरद कलमों, मुफरद माने होता है अकेला तनहा। तो मुफरद कलमों, कलमों जो है ऐसे अल्फाज जो बामानी हों उनको कलमा कहा जाता है। बामानी अल्फाज को कलमा कहा जाता है और कलमा की जमा कलमों। तो आप ये सोच रहे होंगे क्या ऐसे भी लफ्ज़ हैं जो जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं होती है? हाँ, ऐसे भी लफ्ज़ हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, बस वो लफ्ज़ जो वो जो है जुमलों को खूबसूरत बनाने के लिए ले आते हैं। जैसे मैं कहूँ पानी वानी, वानी के माने कुछ नहीं है, और इसी तरीके से आप देखिए खाना वाना, चाय वाय, कुर्सी उर्सी, तो ये जो लफ्ज़ लाते हैं सौदा सल्फ, तो इस तरीके से जो जो लफ्ज़ लाए जाते हैं उसके साथ में वो सिर्फ जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए लाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ जिनकी कोई मीनिंग होती है उसको कहते हैं कलमा, कहते हैं उसको, और कलमा की जमा कलमों, और जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है जैसे मैंने बताया वानी खा वाना उर्सी, तो उसको जो है उर्दू में मोहम्मल कहते हैं। उर्दू में उसको क्या कहते हैं? मोहम्मल। मैं लिख देता हूँ, देखिए उसको उर्दू में मोहम्मल कहा जाता है, ऐसे छोटे से लिखेंगे आप, मोहम्मल कहा जाता है। ये लफ्ज़ आपके सामने है, इसको मोहम्मल कहा जाता है। तो बहरहाल मैंने यहाँ समझाने के लिए इसको लिख दिया है। तो
ऐसे अल्फाज जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है और वो जुम सेंटेंस में जुमले में सिर्फ वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए आते हैं, उनको मुहम्मल कहा जाता है। बहरहाल मुफरद कलमों यानी अकेले कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज हरफे अतफ कहलाते हैं, जैसे और फिर भी करो वाह वगैरह। जैसे जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, उस्ताद और शागिर्द लिख कर वस्ताद ओ शागिर्द, आप देखिए यहाँ उस्ताद ओ शागिर्द में हरफे अतफ क्या है, वाव है। लिख कर फिर पढ़ना, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, हरफे अतफ फिर है। नहा कर धोना, कर इसमें देखिए कर क्या है हरफे, नहा कर भी धोना, नहा कर भी चैन ना मिला, तो नहा कर भी चैन ना मिला। भी ये जो लफ्ज़ है ये क्या है, भी हरफ क्या है, ये हरफे आतफ है। और नेको बद, नेको बद में आप देख रहे होंगे नेको बद में वाव क्या है, ये हरफे आतफ है। तो एक मरतबा आइए फिर से हम जो है हरफे आतफ की तारीफ और डिफिनेशन देखते हैं क्या है। मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज, मिलाने वाले अल्फाज या अल्फाज कहिए या हरूफ कहिए, मिलाने वाले अल्फाज नहीं, मिलाने वाले हरूफ, मिलाने वाले हरूफ हरफे अत्व कहलाते हैं। मिलाने वाले हरूफ हरूफे अत्फ कहलाते हैं, जैसे और फिर भी कर वाव वगैरह। जैसे अब आइए देखते हैं तीसरी, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हरूफे अत्फ किसे कहते हैं। हरूफे अत्फ का दरअसल साफ लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो ये दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो जुमलों को जोड़ते हैं। अगर दो लफ्ज़ों को कोई जोड़ रहा है तो हम उसको हुरूफ़े अत्फ कहेंगे। अब आइए देखते हैं हुरूफ़े शर्त और शर्तो जज़ा। हुरूफ़े शर्तो जज़ा क्या है, हुरूफ़े शर्तो जज़ा आप देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन को देखेंगे किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि वो हर्फ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले हासिल होने वाली चीज़ जज़ा का इजहार हो। शर्त आप जानते हैं, जज़ा यानी बदला, उसका जज़ा माने होता है उसका बदला। तो हुरूफ़े शर्त और जज़ा क्या है, वो हर्फ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले हासिल होने वाली चीज़ जज़ा का इजहार हो, जैसे अगर जब वरना वगैरह, अगर तुम आए तो मैं चलूँगा। ये आमतौर पे इस तरीके के जो अल्फाज हैं, हुरूफ हैं, सॉरी हुरूफ हैं, वो क्या कहलाते हैं, अगर जब वरना हुरूफ शर्त कहलाते हैं। अब देखिए कुछ मिसालें हम लोग देखते हैं इसकी, कैसे ये जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। अब ये देखिए, अगर अगर तुम आए तो मैं चलूँगा वरना आराम करूँगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे क्या है, अगर अगर क्या है ये, और ये जो है हुरूफ़े शर्त है, और वरना क्या है, ये जज़ा है, वरना जज़ा है। अब आइए देखिए, जो लड़के मेहनत करते हैं वही इम्तिहान में पास होते हैं। अब जो आप देख रहे होंगे, जो लड़के मेहनत करते हैं वही पास होते हैं, इसमें जो लफ्ज़ क्या है, हुरूफ़े शर्त है। इन जुमलों में अगर और जो हुरूफ़े शर्त हैं और तू वरना वही हुरूफ़े जज़ा हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हुरूफ़े शर्त और जज़ा किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं और दूसरी मतलब इसकी चौथी किस्म देखते हैं, हुरूफ़े तहसीन है। हुरूफ़े तहसीन, तहसीन के माने तारीफ़ करना, तहसीन के माने तारीफ़ करना। वो कलमात तहसीन के लुगवी माने जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी की मीनिंग क्या है, तहसीन
तहसीन के माने हैं तारीफ करना, वो कलमात जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, मसलन क्या कहना, बहुत खूब, शाबाश, माशाल्लाह, मरहबा वगैरह, ये तो रूफ तहसीन है। जब किसी के हौसला अफजाई के लिए कोई बात, कोई हर्फ इस्तेमाल की जाती है, कोई बात कही जाती है, तो उन कलमात को, कलमा की जमा कलमात, कलमा के माने जैसे मैंने बताया मीनिंगफुल अल्फाज, मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कलमात, और मीनिंगफुल वर्ड कलमा, कलमा की जमा कलमात। तो आइए देखते हैं, वो कलमात जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, वो कलमात जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उर्फ़ तहसीन। मसलन आइए देखते हैं, क्या कहना, बहुत खूब, शाबाश, माशाल्लाह, मरहबा वगैरह। तो अब इसके बाद मुझे उम्मीद है ये हरूफ तहसीन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद है हरूफ ताज्जुब। हरूफ ताज्जुब क्या है, हरूफ ताज्जुब वो अल्फाज, वो हरूफ कहिए या वो अल्फाज कहिए, वो अल्फाज जो किसी ताज्जुब के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ओहो, अरे, वाह, अहा वगैरह। तो इस तरीके से जब इस्तेमाल किए जाएं ऐसे हरूफ, तो उनको क्या कहते हैं, हरूफ ताज्जुब। हरूफ ताज्जुब की डिफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, वो हरूफ, वो अल्फाज या हरूफ जो किसी ताज्जुब के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ओहो, अरे, वाह, अहा वगैरह। तो अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद है हुरूफ तासुफ। हुरूफ तासुफ क्या है भाई, हुरूफ तासुफ है, इसकी डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हुरूफ तासुफ की डिफिनेशन क्या है, ऐसे कलमात, कलमा की जमा कलमात, कलमा माने बामानी लफ्ज़, बामानी यानी मीनिंगफुल, ऐसे कलमात जो किसी अफसोस या गम के मौके पर बोले या लिखे जाते हैं, जैसे आह, हाय, हैफ, वाय, नसीब, उफ, अफसोस, वा हसरता, है हाथ वगैरह। इस तरीके के हरूफ या अल्फाज अगर इस्तेमाल किए जाते हैं जुमले में, तो ऐसे हरूफ को हम हरूफ तासुफ कहते हैं। हरूफ की एक और किस्म जिसे हम लोगों को देखना चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं हरूफ नफरी। नफरी से आपको समझ में आ गया होगा कि नफ़रत से ये बना है। तो ऐसे अल्फाज जो किसी नफ़रत की जाहिर करने के लिए किसी मौके पर आप इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हुरूफ नफरी कहा जाता है। नफरी के माने हैं नफ़रत के, नफरी के माने नफ़रत के हैं, जिन कलमात से किसी तरह की नफ़रत, हकारत या बेजारी का इजहार होता है, उन्हें हुरूफ नफरी कहते हैं। जैसे छी छी, लानत, तुफ, तौबा, तौबा वगैरह। तो इस तरीके से जब कोई वर्ड या मतलब ये हर्फ इस्तेमाल किया जाए, तो हम उसे हुरूफ नफरी कहते हैं। हुरूफ नफरी कौन कौन से हैं, जैसे छिछ, लानत, तुफ, तौबा, तौबा वगैरह। तो एक मरतबा आइए फिर से हम इसकी तारीफ को देख लेते हैं, ताकि हमारे जहन में महफूज हो जाए, हमारे दिमाग में। नफरी के माने हैं नफरत के हैं, जिन कलमा से किसी तरह की नफरत, हकारत या बेजारी का इजहार होता है, उन्हें हरूफ नफरी कहते हैं। जैसे छी छी, लानत, तुफ, तौबा, तौबा वगैरह। अब आइए हम हरूफ की एक और किस्म को देखते हैं, जिसे हरूफ इस्तेफहाम किया जाता है। आम तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हरूफ को तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि उसको टर्म में क्या कहा जाता है, इस्तलाह में उसे क्या कहा जाता है। तो हुरूफ इस्तेफहाम की तारीफ हम देखते हैं। इस्तेफहाम के माने हैं पूछना, ये अरबी लफ्ज़ है, माने होते हैं इसकी पूछना।
ऐसे अल्फाज या कलमे जो किसी से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उर्फ इस्तेफहाम कहलाते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे, कौन, कितने और क्या वगैरह। हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं क्यों, कब, कैसे, कौन, कितने वगैरह, इस तरह से हम इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन हमें ये कौन से हरूफ हैं, इनका क्या नाम है, तो ये चीज़ हमें मालूम नहीं होती है। उर्दू में इसे हरूफ इस्तेमाल इस्तेफहाम कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क टाइप के कोई टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है। बहरहाल इसे उर्दू में हरूफ इस्तेफहाम किया कहा जाता है। हम आम तौर पे अपनी ज़िंदगी में ऐसे हरूफ को इस्तेमाल करते रहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि हरूफ इस्तेफहाम लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है हुरूफ निदा है। हुरूफ निदा की तारीफ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हुरूफ निदा वो कलमात या हुरूफ जो किसी को मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ओ, अरे, अजी, ए, दोस्तों, साहिबो। इस तरीके से जब आपको किसी को मुखातिब करना है, किसी को बुलाना है कि आप मेरी स्पीच को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जब कोई स्पीच देता है तो कहता है माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरीके से लोगों को मुखातब किया जाता है। इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं भाई, ओ, अरे, अरे, ओ, सुनो तो भाई, अरे सुनो, अजी सुनते हो, ऐ मेरे दोस्त, दोस्तों, और कभी कभी साहिबो। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हरूफ हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको इस तरीके से जब आप किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, अटेंशन के लिए किसी को यूज़ करते हैं, उसको उर्दू में हरूफ निदा कहते हैं। अब आ जाइए हरूफ की जो है आखिरी किस्म, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। आखिरी किस्म क्या है? हरूफ इजाफत है। हरूफ इजाफत क्या है? हरूफ इजाफत वो कलमात जो दो इस्मों या ज़मीर और उसके दरमियान का काम करते हैं, जो दो इस्मों या इस्म की जमा इस्मों, और इस्म किसे कहते हैं? नाउन को कहते हैं। तो वो कलमात जो दो इस्मों या ज़मीर और उसके दरमियान का काम करते हैं, हरूफ इजाफत कहलाते हैं। मसलन सुनील का घर, अब देख रहे होंगे का क्या है? का हर्फ इजाफत कह सकते हैं इसको, हर्फ इजाफत है। हामिद की किताब की क्या है? ये हर्फ इजाफत है। तलबा के जूते के क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं के क्या है, के ये जो लफ्ज़ है, ये जो हर्फ है, ये इसी को हम हरूफ इजाफत में कहते हैं वगैरह। इन हरूफ या कलमात में का की और के इजाफत हैं। हरूफ इजाफत की कई किस्में हैं, जिनमें यही तीनों इजाफतें जुमलों के अतबार से मुख्तलिफ नवयत में इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होती हैं हरूफ इजाफत के तौर पर। तो मुझे उम्मीद है कि हरूफ इजाफत क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक नोट है, इसको हमें पढ़ना चाहिए ज़रूर। क्या है वो, कि इन हरूफ के बारे में है। तो मुंदरजा बाला हरूफ यानी ऊपर जो हरूफ के बारे में बताया गया है, बाला माने ऊपर, मुंदरजा बाला हरूफ के अकसाम, मुंदरजा बाला हरूफ के अकसाम में से हरूफ तहसीन, हरफ तहसीन, हरफ ताज्जुब, हरफ तासुफ, हरफ नफरी, हरफ इस्तेफहाम और हरफ निदा, हरूफ और इसी तरीके से हरफ फुजाइया हैं। ये सब क्या हैं? ये सब क्या कहलाएंगी? हरूफ फुजाइया हैं। फुजाइया क्या होता है? जब आप अचानक कोई एक्सप्रेशन देते हैं किसी चीज़ के लिए, अचानक, जैसे किसी बच्चे ने बहुत ऐसा काम किया कि जो जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो
आप कहते हैं कि वाह क्या बात है, बहुत खूब। तो ये जो आपने अचानक एक्सप्रेशन दिया, इसको ऐसे हुरूफ को हुरूफे फुजाइया भी कहा जाता है। कभी कभी हम मतलब तहसीन में, शाबाशी में या किसी की तारीफ में कहते हैं, कभी कभी हम जो है किसी की अफसोस में भी कहते हैं। जैसे किसी के खबर ऐसे सुनी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि भाई फलां का एक्सीडेंट हो गया, तो कहते हैं ओह अफसोस कैसे हुआ ये। तो ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे जो आप अचानक इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ की कभी आपको उम्मीद ना हो, अचानक इस तरीके से आप कोई आदमी इस्तेमाल करता है, तो उसको हम हुरूफ़े फ़ुजाइया कहते हैं। तो हुरूफ़े फ़ुजाइया कौन कौन से हैं? हुरूफ़े फ़ुजाइया में कौन कौन से हुरूफ आएंगे? हुरूफ़े तहसीन आएंगे, हुरूफ़े ताज्जुब आएंगे, हुरूफ़े तासुफ आएंगे, और इसी तरीके से हरफे नफरी भी आएंगे, और हरफे इस्तेफहाम भी आएंगे इसी तरीके से। तो हरफे इस्तेफहाम और आखिर में हरफे नदा। इस तरीके से भी जब आप अचानक कोई एक्सप्रेशन या किसी कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको हरफे फुजाइया भी कहते हैं। ये वो हरूफ हैं, ये वो हरूफ हैं जो किसी जोश या जज्बा या फिर हैरत की हालत में बेसाख्ता जबान से अदा होते हैं। इन हुरूफ को हुरूफ अत्फ या हरफे जार भी कहा जाता है। तो हुरूफ जार भी पूरा ओवरऑल कहा जाता है सबको, और हुरूफ अत्फ चूंकि ये सब हुरूफ जोड़ने का भी काम करते हैं लफ्ज़ों को, तो हुरूफ अत्फ भी इन्हें कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हुरूफ की किस्में अच्छी तरह समझ में आई होंगी। बस एक मर्तबा हम इन किस्मों को दोहराएंगे। हुरूफ की किस्में जिनमें से हम लोगों ने पढ़ा, हुरूफ जार पढ़ा। हुरूफ जार किन्हें कहते हैं? ऐसे हुरूफ जो बामानी हों, ऐसे अल्फाज जो बामानी, जिनकी कोई मीनिंग हो और वो जुमलों को जोड़ने का काम करें, जो जुमलों या सेंटेंस को बनाने का काम करें, जो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हुरूफ जार कहा जाता है। जैसे मे से पर तक वगैरह। और हमने पढ़ा हुरूफ अत्फ, उसके बाद मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले हुरूफ को हमने पढ़ा कि उन्हें हुरूफ अत्फ कहते हैं। जैसे फिर भी कर वगैरह, जैसे वस्ताद व शागिर्द लिख कर फिर पढ़ना, नहाकर भी चैन ना मिला। और इस तरीके से हुरूफ शर्त और जज़ा भी पढ़ा हमने, और इसकी तारीफ हमने देखी। वो हर्फ जिससे किसी शर्त, वो हुरूफ जिससे किसी शर्त वो हर्फ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले हासिल होने वाली चीज़ का इजहार हो। जैसे अगर, जब, वरना वगैरह। अगर तुम आए तो मैं चलूँगा, वरना आराम करूँगा। जो लड़के मेहनत करते हैं वही पास होते हैं। इन जुमलों में अगर जो हरफ शर्त हैं और तो वरना वही हरूफ जज़ा हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा हरूफ तहसीन। तहसीन के माने मैंने जैसे कि बताया, तहसीन के माने तारीफ़ करना। वो कलमात, कलमात के माने मैंने बताया था, कलमा की जमा है। कलमा कहते हैं बामानी लफ्ज़ को, मीनिंगफुल वर्ड को कलमा कहा जाता है उर्दू में। और कलमा का उल्टा मोहम्मल, ऐसा है जिसकी कोई मीनिंग ना हो उसको मोहम्मल कहते हैं उर्दू में। आगे हम पीछे जैसे कि लिखे, हमने इसको दिखाया भी था आपको, कि जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, मतलब क्या कहना, खूब, शाबाश, माशाल्लाह, मरहबा वगैरह। इसके बाद हमने देखा कि हुरूफ ताज्जुब को, कि वो अल्फाज या हुरूफ जो किसी ताज्जुब के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ओहो, अरे, वाह, आहा वगैरह। तो हैरत के मौके पर, हम ताज्जुब के मौके पर बोलते हैं हुरूफ ताज्जुब को। उसके बाद हमने देखा हुरूफ तासुफ, ऐसे कलमात जो किसी अफसोस या गम के मौके पर ही बोले या लिखे जाते हैं, जैसे आहा, हाय, है, वाय, नसी, उफ, अफसोस, वा, हसरता, है, हाथ वगैरह। और हुरूफ की किस्मों में से हुरूफ नफरी को भी हमने देखा। नफरी के माने नफरत के हैं, जिन कलमात से किसी
नफरत या हकारत या बेजारी का इजहार हो उन्हें हुरूफ नफरी कहते हैं, जैसे छी छी, लानत, तुफ, तौबा तौबा वगैरह। उसके बाद हमने देखा हुरूफ इस्तेफहाम। इस्तेफहाम के माने पूछना, ये अरबी लफ्ज़ है। ऐसे अल्फाज या कलमे जो किसी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हुरूफ इस्तेफहाम कहलाते हैं। क्यों, जैसे क्यों, कब, कैसे, कौन, कितने और क्या, इस तरीके के अगर हुरूफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी सेंटेंस किसी जुमले में तो हम उन्हें हुरूफ इस्तेफहाम कहेंगे। हुरूफ की दूसरी किस्मों में से हुरूफ नदा को हमने पढ़ा, वो कलमात या हुरूफ जो किसी को मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, जैसे ओ, अरे, अजी, ए दोस्तों, साहेबो वगैरह। और उसके बाद आखिरी किस्म हमने पढ़ी हुरूफ इजाफत, वो कलमात जो दो इस्मों या ज़मीर और उसके दरमियान का काम करते हैं हुरूफ इजाफत कहलाते हैं। मसलन सुनील का घर, हामिद की किताब, तलबा के जूते वगैरह, इन हुरूफ या कलमात में का, की और के इजाफत हैं। हुरूफ इजाफत की कई किस्में हैं, यही तीनों इजाफतें जुमलों के अतबार से मुख्तलिफ नौयत में इस्तेमाल होती हैं। यही तीन इजाफतें आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और आखिर में हमने इसको नोट्स को पढ़ा, क्या है कि मुंदजा बाला हरूफ के अकसाम में से हरूफ तहसीम, हरूफ ताजुब, हरूफ तासुब, हरूफ नफरी, हरफ नफरी, हरफ इस्तेफहाम और हरफ निदा हरूफ फुजाइया हैं। ये वो हरूफ हैं जो किसी जोश या जज्बा फिर हैरत की हालत में बेसाख्ता जबान से अदा होते हैं। इन हरूफ को हरूफ अतफ या हरूफ जार भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज के ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ग्रामर का ये हिस्सा जो हुरूफ से मुतालिक था आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे कि हुरूफ की कौन कौन सी किस्में हैं और उनकी क्या तारीफ है और उनका क्या फंक्शन है और उनको जब जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, वो टर्म उनका क्या है और बतौर टर्म उनका क्या नाम लिया जाता है। ये चीज़ें हमने आज अच्छी तरह सीखी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आई भी होंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि ये आसानी से लोगों तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वक्त